रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकास खंड के सिसरिंगा धान मंडी में धान की अफरा तफरी करने के मामले में धरमजयगढ़ पुलिस ने तहसीलदार धरमजयगढ़ की जांच प्रतिवेदन के तहत 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने FIR दर्ज होते ही 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, बाकी 3 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 21 जनवरी की रात्रि को ग्रामीणों ने धान से लोड 2 ट्रक को पकड़ा था, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। जांच टीम सिसरिंगा धान मंडी पहुंचकर पाया कि 2 ट्रक में 1900 बोरी धान लोड है। ट्रक में लोड 1900 बोरी धान जसपुर जिले के काढ़रू मंडी का है, जिसके बाद ग्रामीण एवं मंडी स्टाफों से पूछताछ करने के बाद जांच टीम के प्रभारी तहसीलदार भोज कुमार डहरिया ने धरमजयगढ़ पुलिस में धान की अफरा तफरी में संलिप्त 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। ग्रामीणों ने सिसरिंगा मंडी के स्टाफ के खिलाफ दिन भर जमकर नारेबाजी करते रहे। ग्रामीण अधिकारियों पर मंडी प्रबंधक को सह देने का भी आरोप लगाते दिखाई दिए। धान अफरा तफरी के मामले में अगर पुलिस दूसरे मामले की तरह साइबर सेल की मदद से जांच करे तो कई अधिकारी एवं सफेदपोश भी इस धान अफरा तफरी में पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। धरमजयगढ़ से मुकेश मौर्य की रिपोर्ट। अभी तो रुको अभी जो आवला 3 दिन ठीक है, देर से सही आपने शिकायत की है इसका, 3500 बोरे में 1 बोरा लेने वाला, उसके बाद तो ठीक हो गई स्थिति ना अभी, ठीक है अभी तो ठीक है स्थिति। अभी 2 दिन अभी तो 17 से बंद है, आज से चालू है तो आज वैसा थोड़ी और है, बोलो आज नहीं होगा, ऐसा करेगा तो क्यों करेगा ऐसा दोबारा, यहाँ के कर्मचारी अभी शांत है, देख लीजिए ना रवैया अभी शांत है। 17 से बंद है भाई साहब, किसान लोग है ना, आज चालू है तो हम किसे जाने की अच्छा होता है कि नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अभी तौला थे वहाँ तक तो अच्छा ही दिखा था, ठीक है। अब अगर किसी एक किसान भी ऐसा करेंगे ना तो बताना सीधे आप लोग, ठीक है, और यही बात इस चीज का कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग सामने, ठीक है, पूरा करेंगे सब, जो आप सीसीटीवी फुटेज भी वीडियो दियो सब हम लोग वहाँ पे रिकॉर्ड आज ही भेजेंगे, हम लोग पढ़ लेना क्या लिखा तो सब आप लोग सामने होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग फिर पीछे हो गए, जो आदमी कल रात को था वो वहाँ पे भी रहे, बयान देखें क्या प्रक्रिया समझे पूरा, कहीं भी कोई भी मतलब पक्षपात नहीं होगा, आप लोग शांति स्पष्ट होगा, रिपोर्ट बना के भेजेंगे। और दूसरा चीज है, कल के बाद से अगर एक किसान के साथ एक्स्ट्रा का असर लिया था तो अब तत्काल आप लोग मेरे संपर्क करें, वैसे लिया नहीं जाएगा पहले ही बोल दूंगा, और रही बात आप लोग बोल रहे हैं स्टाफ को हटाने की, तत्कालिक तौर पर प्रैक्टिकली संभव नहीं, क्योंकि कोई 8-10 दिन के लिए किसी आदमी को यहाँ पर पदस्थ करना मुश्किल काम है, फिर भी मैं बात क्यों करता हूँ साहब से, किसी को यहाँ भेजे दूसरे स्टाफ को या फिर आपस में इंटरचेंज करें ताकि आप लोग जो नया स्टाफ है वहाँ पे काम करें, लापटाई तो मैं पूरा स्टाफ ने कचरा को पूरा हटाना है, और लगाने तक हटाना है, आप लोग ये चाहते हैं गाड़ी हम पकड़े हैं पूरा सर दिख रहा है उनको हमें मिल जाता है, हो जाएगी क्या बोला, हम लोग वहाँ बंद कम नहीं कर रहे हैं, आप लोग में 2 आदमी जो कल रात को था वहाँ पे खड़ रहा है कि बयान लेके चीज करना है, किसी का भी बयान लेके वो भी कार्रवाई करें, सब चीज को पढ़े, गाड़ी दिख रहा है सामने खड़ा है, वहाँ पे पार्टी चाहिए, सुनो ना हमारे SDM साहब के ऊपर भरोसा है, बिल्कुल है, तो SDM साहब हमारा किसान का भरोसा, हमारा किसान का भरोसा, मंडी का कचरा तो आया, ये कचरा को नहीं चाहिए।